अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारा चैप्टर चल रहा है। ठीक है, पहला आर्टिकल इसका जो था ओम्स लॉ, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, वो हम पहले कर चुके हैं। आज हम जो है सेकंड जो है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स जो है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, रेजिस्टर जो है उनको दो तरह से अटैच करते हैं। ठीक है, सीरीज में और पैरेलल, दो तरह के कम्बिनेशन होते हैं। तो टू वेज टू कनेक्ट द रेजिस्टेंस इन सर्किट्स। अब रेजिस्टेंस जो है उसका सिंबल आप देखें कि ये वाला सिंबल होगा। ठीक है, ऐसे जिस ऐसा बना होता है, ये रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। तो पहला जो हमारा है वो है सीरीज कम्बिनेशन। तो सीरीज होता है एक लाइन में। ठीक है, तो ये एक लाइन में तीन रेजिस्टेंस उसने जो है वो अटैच कर दिए। ठीक है, और इसको पहले आपने जो है कम्बिनेशन जो है वो कैसे सर्किट आप डिज़ाइन कर रहे हैं, पहले आपने ये बताना है। पहला रेजिस्टेंस है ये, इसकी लेफ्ट साइड जो है और दूसरी तरफ उसकी राइट साइड। तो आपने इसको लिखना है राइट एंड ऑफ द फर्स्ट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू लेफ्ट एंड ऑफ द सेकंड रेजिस्टेंस, एंड सिमिलरली राइट एंड ऑफ द सेकंड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट एंड ऑफ द थर्ड रेजिस्टेंस, और फाइनली लेफ्ट एंड ऑफ द फर्स्ट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड राइट एंड ऑफ द लास्ट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इस तरह आपने ये सर्किट जो है वो इसको डिज़ाइन करना है, और इसको जो है वो इसकी डिजाइनिंग कैसे डिज़ाइन करना है वो इसको आपने एक्सप्लेन भी करना है। अब हम इक्विवेलेंट जो है रेजिस्टेंस जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो याद रखें कि जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं तो जो बैटरी का पोटेंशियल होता है दैट इज डिवाइडेड इन दीज थ्री रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। ठीक है, लेट्स सपोज के जो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो R1 है और उसका पोटेंशियल V1 है, सेकंड का V2 है, थर्ड का V3 है। ठीक है, तो टोटल जो है बैटरी का जो पोटेंशियल है वो V है। ठीक है जी, दोबारा सुने कि अगर रेजिस्टेंस R1 है उसमें पोटेंशियल V1 है और सेकंड में V2 है और थर्ड में V3 है। ठीक है, लेकिन टोटल जो बैटरी का पोटेंशियल है V है। तो एक्चुअली जो V1, V2, V3 जो है ना, ये बेसिकली जो है ना तीनों रेजिस्टेंस में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो बैटरी का, अगर बैटरी 6 वोल्ट की है तो उसने अपना जो 6 वोल्ट का पोटेंशियल जो है ना वो तीनों रेजिस्टेंस में जो है वो डिवाइड कर दिया। दैट्स वाई हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा है हमारे पास करंट जो है सीरीज कम्बिनेशन में, याद रखें हमेशा वो सेम होता है। करंट जो होगा जो R1 में होगा उतना ही R2 को मिलेगा, उतना ही R3 को मिलेगा। मतलब I1, I2, I3 जो है दे ऑल विल इक्वल टू ईच अदर एंड दे विल बी इक्वल टू I, मतलब इनको हम I के इक्वल कर देंगे। ठीक है जी, तो I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अभी हमने इक्वेशन 14.6 जो है उसमें पढ़ा कि V किसके इक्वल है, V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल है। लेकिन हमने ओम्स लॉ पढ़ा था कि इसमें लिखा था कि V किसके इक्वल है, IR के। ठीक है, आप करंट जो है वो सब में सेम है, तो पहला जो पोटेंशियल है V1 वो किसके इक्वल आ जाएगा, IR1। सेकंड आ जाएगा IR2, थर्ड आ जाएगा IR3। मतलब तीनों रेजिस्टेंस जो है ना आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा V = V1 + V2 + V3। में इसमें जब पुट करेंगे तो आ जाएगा V = IR1 + IR2 + IR3। आफ्टर टेकिंग I कॉमन तो आपके पास आ जाएगा V = I × R1 + R2 + R3। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट जो है, अब आपने, अगर आपने तीन रेजिस्टेंस नहीं लगाने और एक ही रेजिस्टेंस लगानी है जिसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है, जिसको हम RE कहेंगे, तो यही अगर हम इक्वेशन बनाए ओम्स लॉ तो फिर वो V = IR होता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा V = IRE हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V = IRE। अब RE यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब आपके पास इक्वेशन ये आ गई है V = IRE, और एक अभी जो है ना मैंने आपको बताई है कि V जो है ना किसके इक्वल है, आई कॉमन लेके R1 + R2 + R3, यानी कि इससे पिछले वाले पेज पे जो था एक इक्वेशन 14.7 है और दूसरी जो है अभी V = IRE। दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो IRE किसके इक्वल आ जाएगा, I = V1 + R1 + R2 + R3।
यहाँ पे आई आई जो है ना एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब यह है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इन सीरीज कॉम्बिनेशन उसकी रेजिस्टेंस जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस होगी उससे भी बड़ा आंसर उसका होगा। ठीक है, और सिंपली आप देख लेंगे आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री को प्लस करके आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं और इसमें जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है वो बी शामिल है, मतलब तीन रेजिस्टेंस है, तीनों में जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है उससे भी बड़ा आंसर जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आता है। तो इसलिए आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, इस तरह हम इक्वेशन जो है आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर रेजिस्टेंस तीन से ज्यादा हो, ठीक है, मतलब एन रेजिस्टेंस हो, एन मीन एनी नंबर, कोई भी नंबर कितनी ही तादाद में हो, तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आर ई जिसके इक्वल आ जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री अप टू सोन आर एन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल था रेजिस्टेंस का, ठीक है, और ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ जब मैंने कैपेसिटर का आर्टिकल पढ़ाया था कि कैपेसिटर की कम्बिनेशन हैं और रेजिस्टर्स की कम्बिनेशन चारों में से अक्सर एक पेपर में आ जाता है। ठीक है, तो कम्बिनेशन जो है ना बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो है एक एग्जांपल है, इसमें क्या है, देयर आर टू रेजिस्टेंस 6 kΩ एंड 4 kΩ, ठीक है, और 10 वोल्ट की बैटरी के साथ अटैच की है और तीन चीजें हमने फाइंड आउट करनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस, करंट द करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल अक्रॉस ईच ऑफ द रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है वो आर वन है 6 kΩ, आर टू है 4 kΩ, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, अब आर ई किसके इक्वल होगा आर वन प्लस आर टू, तो आर ई आ जाएगा आपके पास 6 kΩ प्लस 4 kΩ 10 kΩ, मतलब 10 kΩ जो है ना आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। इसके बाद बी में आप देखें करंट आपने फाइंड आउट करना है, जैसे कि मैंने तो कहा था कि करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को यूज करते हुए हम लाभ ने बनाना है वी इक्वल टू आई आर ई और आई किसके इक्वल आ जाएगा वी ओवर आर ई। अब आप इसमें जो है वो वैल्यू पुट करेंगे वी ओवर आर ई में, 10 वोल्ट ओवर 10 किलो हूँ, ठीक है, कैंसिल करेंगे सॉल्व करेंगे तो 1 mA करंट आ जाएगा दैट इज पासिंग थ्रू द सर्किट। ठीक है, और लास्ट में जो है पोटेंशियल आपने फाइंड आउट करना है, अगेन ओम्स लॉ यूज करेंगे वी इक्वल टू आई आर, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा वी वन इज इक्वल टू आई आर वन, ठीक है, और इनकी वैल्यूज पुट करें, ठीक है, जो आई है वो आपके पास ऑलरेडी 1 × 10³ है और 6 kΩ 6 × 10³ ओम रेजिस्टेंस है, कैंसिल करेंगे तो 6 वोल्ट, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस आर टू जो है ना वो वी टू वो इसी तरह आ जाएगा 4 वोल्ट। और जैसे मैंने कहा था कि बैटरी का पोटेंशियल जो है वो डिवाइड होता है, अब यहाँ पे बैटरी जो है ना वो 10 वोल्ट है और आप देखेंगे टोटल आंसर क्या आ रहा है 6 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट 10 वोल्ट, ठीक है, तो इस तरह हमारा ये भी पोटेंशियल वाला जो आंसर है ये भी है वो ठीक हो गया। तो ये हमारा जो है आज का आर्टिकल था, ठीक है, और एक एग्जाम्पल थी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।